लाइन ऑफ कंट्रोल या LOC दुनिया में शायद ही कहीं और इतनी सेना तैनात है जितनी यहाँ। लाखों जवान इस सैकड़ों किलोमीटर लंबी लाइन की चौकसी करते हैं हर घंटे, साल भर, जमीन पर और आसमान से भी। जमीन पर तैनात सेना को अक्सर बड़े हथियारों की भी जरूरत पड़ती है, तोपों की। वो जंग में इस्तेमाल होने वाले मोर्टार्स, फील्ड गन्स और हाविट्जर तोपों का भी इस्तेमाल करती है, जो 35 किलोमीटर दूर तक सटीक वार कर सकती है। पहले तो इन तोपों को सही जगह पर लाया जाता है, फिर जंग के मुताबिक उनके पुर्जों को जोड़ा जाता है, जिसका रिहर्सल पहले से ही कर लिया जाता है। रफ्तार बेहद अहम होती है। 130 mm M46 फील्ड गन जैसी बड़ी तोपों को लक्ष्य के मुताबिक एक निश्चित जगह पर लगा दिया जाता है, जहां से उन्हें शायद ही कभी हटाया जाता है। मिलीमीटर से पता चलता है कि उस तोप से किस कैलिबर के गोले दागे जाते हैं। इन तोपों का इस्तेमाल सरहद पार दुश्मनों को काफी दूर से ही पस्त करने के लिए किया जाता है। 105 mm लाइट फील्ड गन और 105 mm इंडियन फील्ड गन जैसी हल्की तोपों को आसानी से कहीं ले जाया जा सकता है, और ये सरहद के पास तैनात सेना के साथ साथ ही जाती है। हर तोप को 2 से 6 गनर्स चलाते हैं। ऑब्जर्वेशन पोस्ट लक्ष्य के काफी करीब होता है। यहां तैनात जवान अपने उपकरणों की मदद से टारगेट की स्थिति के कोऑर्डिनेट पता लगाते हैं। फॉरवर्ड पोस्ट ऑब्जर्वर कमांड पोस्ट को टारगेट के बारे में जानकारी देता है। कमांड पोस्ट में तोप की स्थिति तय करने वाला अफसर गनर्स को आदेश देता है। गोले दागने पर ऑब्जर्वेशन पोस्ट से गनर्स को यह बताया जाता है कि वो तोप का मुंह, उसकी दिशा और ऊंचाई किस तरह से एडजस्ट करें कि वार ज्यादा सटीक हो सके। 2003 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम संधि होने के बाद लाइन ऑफ कंट्रोल के दोनों तरफ के सेना के सर्वोच्च फील्ड कमांडर ही तोपों की तैनाती के आदेश दे सकते हैं, मगर इस तरह की ड्रिल्स से जवान जंग के लिए तैयार रहते हैं। एक चूहे बिल्ली का खेल है जो दोनों देश खेलते हैं। हम हमेशा काफी सतर्क और तैयार रहते हैं। अगर कोई घटना होती है तो हम उससे निपटने के लिए तैयार रहते हैं।